आशा और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं अपने YouTube चैनल रौतेला व्लॉग्स में आप सभी का नए वीडियो के साथ फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो आई होप आप लोगों ने सारे वीडियो देखे होंगे और आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्यार उसमें मुझे दिया है, तो तहे दिल से आपका धन्यवाद। जो भी हमारे कुमाऊँ द्वार महोत्सव में जो भी मैंने आप लोगों को कार्यक्रम दिखाए थे, उनको आप लोगों ने अपना प्यार दिखाया है थोड़ी बहुत, तो अभी वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैं और आप लोग को बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाली हूँ। तो अपने साथ साथ आप लोगों को भी, मतलब यही भक्ति भाव से रिलेटेड है, और वो क्या है क्या नहीं आप लोगों को पता चल जाएगा। तो डेफिनेटली आपको बताने के लिए ही मैं हर जगह जाती हूँ, वीडियो बनाने के लिए जाती हूँ। जो भी मेरा इंटेंशन रहता है आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आऊँ, और जो लोग नहीं गए हैं उनको घर बैठे थोड़ा बहुत बताऊँ, ताकि वो कभी जाएंगे तो उनको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, उस चीज़ के बारे में थोड़ा पता चल जाएगा, तो आसानी हो जाएगी करके मैं कोशिश करती हूँ। चलिए यार, क्या ही सरप्राइज़ देना है आप लोगों को, है ना। तो आप लोग मेरी फैमिली है, फैमिली वाला, तो अभी हम जा रहे हैं यात्रा पे, वृंदावन यात्रा पे जा रहे हैं। बहुत तो काफ़ी लोग जा रहे हैं, तो मम्मी लोगों के वहाँ से और मेरा ससुराल जहाँ है वहाँ से, दोनों तरफ अगल बगल है, तो दोनों इकट्ठे ही सब लोग जा रहे हैं मिक्स करके। उसकी आज मीटिंग है, तो उसके बारे में जैसे कि पता है इतने लोगों को उन्होंने गाइडिंग करना होता है, तो उसके थोड़ा रूल के बारे में बताना, और जो लेके जाता है तो उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, इतने लोगों को इकट्ठा लेकर जाना, तो इतने लोगों का टिकट करना, अलग अलग गाड़ी में जाना दिखाना, उसमें बूढ़े भी होंगे, जवान भी होंगे, बच्चे भी होंगे, सब लोगों को, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो इसके लिए थोड़ी बहुत मीटिंग बैठाते हैं कि क्या क्या करना है, लोगों को अपने किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि लोग थोड़ी सी अपने प्रति सावधानी बरतें, है ना। तो चलिए, वो मीटिंग है, अभी हम उस मीटिंग में जा रहे हैं, यहीं पे है, पास में ही मेरे घर पे मम्मी भी आएगी। उसके बाद से हल्के फुल्के भगवान जी के, जैसे कि पता है, तो जाएंगे तो भगवान जी के, हनुमान सैटरडे है तो हनुमान जी के थोड़ा सा सुंदरकांड होता है वहाँ पे, हर शनिवार और मंगलवार वहाँ पे सुंदरकांड करेंगे, भजन वगैरह गाएंगे, तो हम उसका भी आनंद लेंगे, उसमें भी भाग लेंगे, हम आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो चलिए सीधे मिलते हैं आप लोगों से मीटिंग पर। हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताने वाली थी, मैं भूल गई। एक्चुअली मम्मी और मैं जा रहे थे, और रौतेला जी भी जा रहे थे पहले, रौतेला जी का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रौतेला जी का ऑफिस रहता है, और ऑफिस से बोला उन्होंने कि मेरे उनकी बहुत ज़्यादा सैलरी कट रही है, तो इस वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिया, रौतेला जी नहीं आ रहे। तो अब रौतेला जी की जगह हमारे साथ कौन आएगा, बताओ कौन आएगा। तो जी हाँ, सही पकड़े हैं, तो हमारा वही नटखट शिव। तो अचानक से मम्मी ने उसका टिकट करवा दिया, और अब हमारे साथ मम्मी मैं शिव तीन जने जाएंगे, ठीक है। तो दो हमें भी चाहिए, मम्मी और मेरे लिए, तो मैं हमें माला सिलेक्ट कर रहे हैं। माया देवी, मधु जोशी, नवीन चंद्रपाणी, चंद्रा पांडे, भावना भट्ट, हरीश भट्ट, एक ये लिस्ट है। मैं अभी पढ़ा फिर से, पूजा जोशी, रमा जोशी, आशा जिंदवाल। तो ये जो वृंदावन जाएंगे, जिस लिस्ट में नाम है, तो नाम किस किस के आए हैं उस लिस्ट का, नाम अनाउंसमेंट कर रहे हैं पंकज खत्री जी हैं, जो हमारे इनके जैसे राम जी कमेटी मंडल के अध्यक्ष हैं, ये है पंकज खत्री जी। देख सकते हैं आप लोग, हनुमान जी का बैनर लगा हुआ है, उसमें लिखा श्री वृंदावन धाम, तो हम लोग जाएंगे वृंदावन धाम। तो इतने लोग मीटिंग में आए हुए हैं, आज इस चीज़ की मीटिंग हो रही है, हमें तो काफ़ी लोग जाने वाले हैं वृंदावन। कि हमने शाम को सात्विक भोजन करना हो या कैसा भी भोजन करना हो, तो हमें याद रखना है दो रोटी खानी या तीन रोटी खानी, ऐसे दवाई भी याद रखनी, ध्यान रखिएगा, हर चीज की उपलब्धता हो जाएगी, ये ईश्वर की कृपा है। ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि
ये यहाँ पर भी देखो इनके द्वारा हमें बताया गया, वहाँ से बार बार प्रेम पांडे जी जो वहाँ बहुत सारे लोग जाने वाले हैं यहाँ से वृंदावन धाम और मेरे ससुराल वालों की तरफ से, भाई वालों की तरफ से बहुत सारे लोग हैं। तो सामूहिक यात्रा जा रही है, बस में जाएंगे ट्रेन में जाएंगे पता नहीं, अभी मुझे इतनी कोई नॉलेज नहीं है, मेरे ख्याल से रिजर्वेशन बहुत पहले हो चुके हैं और बहुत मजा आने वाला है कुल मिला के। तो ये हो रही है अभी हल्की फुल्की मीटिंग, इसके बाद होगी हनुमान जी के भजन यहाँ पे, हनुमान चालीसा और हनुमान सुंदरकांड होगा, क्योंकि जो हमारे अध्यक्ष जी हैं राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो स्टेज में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा और वहाँ पे अभी उनके भजन, ठीक है, तो आनंद लीजिएगा भजनों का। और उस आने का दिन में मेरी बात हुई है, बाकी अभी थोड़ी देर बात करेंगे, 6 बजे 6:30 बजे जब भी आएंगे। जैसा कि श्री पंकज जी ने अभी आप लोगों को बताया कि 20 तारीख से आप लोगों की यात्रा से वृंदावन धाम के लिए जा रही है, और इस पावन यात्रा के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। वहाँ श्री भगवान के उस जन्म स्थल का, उनकी लीलाओं का, जहाँ उन्होंने ये सब लीलाएं करी हैं उनका। फाइनली मम्मी पहुंच चुकी है यहाँ पे और हमारी ठीक है, तो अभी वो हम लेंगे हम भजन का आनंद, और ये रहे हमारे अध्यक्ष जय श्री राम। तो ये पंकज खत्री जी, मैंने बार बार आप लोगों को दिखाया ब्लॉग में, तो ये आप ही आएंगे ना? हाँ, तो ये ऑब्वियसली हमारे गाइडर हैं, तो ये इनको भी लेके जाएंगे साथ में, तो यही हमें बता रहे हैं कि वहाँ के क्या ही रूल फॉलो करने, क्या नहीं करने। महिमा संत गाते गाते थकते हैं, तो सखी बता रही है वृंदावन धाम अपार है, वृंदावन में राधे राधे नंदा सकते राधे राधे सबसे बच्चे राधे राधे। आधार कार्ड शिव का, मेरा मम्मी का, तो मैं भी करा के लाई और अभी इनको देंगे। जयंती में, हनुमान जयंती में जो जो जिन्होंने झांकी निकाली थी, जिन जिन बच्चों को उनको पुरस्कार और वो राम जी हनुमान जी की वो दे रहे हैं और छोटा सा गिफ्ट दे रहे हैं सभी बच्चों को।
तो ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था झांकी में, जो झांकी में कोई सरस्वती काली जो भी राम और हनुमान जी का बने थे झांकी में, उनका उनको गिफ्ट दिया जा रहा है देखो सभी को। तो फ्रेंड्स हम घर आ चुके हैं, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कितना अच्छा सा मैंने भजन भी दिखा दिए, और उसी दिन उन लोगों ने जो हनुमान जयंती पे बच्चे उन्हें वो कर रखा था झांकियाँ निकाली थी उनका भी सम्मान कर रहा था, पर उनको थोड़ा सा जो भी उनकी तरफ से होता है थोड़ा बहुत गिफ्ट और उनको सम्मान दिया, तो वो भी दिखाया, सब दिखाया मैंने आप लोगों को। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वो बिल्कुल फ्री में। तो मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया सी यात्रा कराने वाली हूँ, वृंदावन की यात्रा, तो मेरे साथ साथ आप भी करेंगे। तो जो चीज़ हम देखेंगे ऐसा ना हो मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता है ना, तो जो चीज़ भी मैं देखूँगी वो आप लोगों को डेफिनेटली दिखाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग अपना आशीर्वाद, बड़े लोगों का आशीर्वाद और मुझे सपोर्ट और अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखना। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए प्यारी प्यारी से व्लॉगिंग लाते रहूँगी और इंटरेस्टिंग सा वीडियो डेली मैं अपनी कोशिश करूँगी लाते रहूँगी। तो अभी रखती हूँ इतना ही, और चलिए फिर बाय, सीधे मिलते हैं आपको वृंदावन कृष्ण और राधा जी के दरबार पे। तो बाय।